हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 6, दिस इज जॉर्डिस फॉन। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है 1 नंबर। जॉर्डिस फादर वाज प्राउड ऑफ हिम एज, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही स्टेड कैल्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बी ही डिड व्हाट वाज नीडेड टू सेव हिज फादर्स लाइफ, सी ही वाज एनेक्सियस अबाउट दी फोन, या फिर डी बोथ ए एंड बी। नाउ इसमें आपका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। फर्स्ट में आंसर आएगा ऑप्शन डी। सेकंड नंबर, मीटिंग ऑफ द सेंटेंस ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर इज, ऑप्शन है डेथ हैज गॉन इन सर्च ऑफ अनोदर विक्टिम, बी पेनी हैज एस्केप्ड डेथ, या फिर सी डेथ हैज कैच पेनी, या फिर डी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन है इसमें आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जॉर्डी वांट टू स्पेयर द मिल्क फॉर डैश, ऑप्शन है हिज पापा, बी हिज मदर, सी द फोन, या फिर डी मिलविल। ऑप्शन आएगा इसमें आप लोग का सी द फोन। टू सेव पाप डैश वॉज सेव यूज्ड, ऑप्शन है ए पॉइजन फ्रॉम डॉस लीवर, बी एसेंस फ्रॉम डॉस हार्ट, सी पॉइजन फ्रॉम दी फॉन्स लीवर, या फिर डी डॉस मिल्क। ऑप्शन आएगा ए पॉइजन फ्रॉम डॉस लीवर। फाइव नंबर, डैश विल हेल्प जॉर्डी टू आइडेंटिफाई द फोन, ऑप्शन है ए इट्स कलर, बी इट्स लीनर स्पोर्ट्स, सी इट्स थीन फिजिक्यू, और डी इट्स शेप ऑफ माउथ। ऑप्शन इसमें आप लोग का बी इट्स लीनर स्पोर्ट्स। सिक्स नंबर, व्हाट हैड थ्रीटनेड पास लाइफ, ऑप्शन है ए हिज सर्व इलनेस, बी पॉइजन ऑफ डो, सी स्नेक बाइट, और डी फूड पॉइजनिंग। ऑप्शन इसमें आपका आएगा सी स्नेक बाइट। सेवन नंबर, What will help Jordy to find his way back home in case he got lost in the scrub? Option is आप लोग का मिल विल गाइडेंस, सी बी द टॉल पाइन ट्री, सी हिज फादर गाइडेंस, या फिर डी अ कंपास। ऑप्शन है आप लोग का बी द टॉल पाइन ट्री। एट नंबर, सम बजर्ड वेर सर्कलिंग एट अ प्लेस इन द स्क्रब टू, ऑप्शन ए ईट मीट फ्रॉम अ कैरकेस, बी इनवाइट अदर बर्ड, सी प्रेडेटिंग द फोन, या फिर डी बोथ ए एंड सी। ऑप्शन आएगा ईट मीट फ्रॉम अ कैरकेस, ऑप्शन ए। अब आएगा क्वेश्चन नंबर नाइन। इसमें क्वेश्चन है, जॉर्डी होइस्टेड द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, ऑप्शन है ए एज इट्स लेग वेर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, बी लीस्ट इट्स लेग टच्ड द ग्राउंड, सी जॉर्डी वांटेड टू कैरी इट ऑन ही सोल्जर, या फिर डी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, जॉर्डी ट्राइड टू शील्ड द फेस ऑफ द फोन सो दैट, ऑप्शन है इट कुड नॉट सी फर्दर, ऑप्शन बी ही कुड सेव इट फ्रॉम प्रिकलिंग वाइंस, सी द फोन डिड नॉट फील इनसिक्योर, और डी है द फोन कुड फील द मैरवेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। ऑप्शन आएगा इसमें आप लोग का बी ही कुड सेव इट फ्रॉम प्रिकलिंग वाइंस। 11 नंबर, व्हेन द मिल्क वॉज ऑफर्ड टू द फोन एट फर्स्ट, ऑप्शन है ए इट ड्रैंक इट हैप्पीली, बी इट एक्सेप्टेड विथ इट विथ अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस, सी इट रिजेक्टेड इट सून, या डी ही डिड नॉट रिएक्ट टू इट। ऑप्शन आएगा इसमें आप लोग का डी ही डिड नॉट रिएक्ट टू इट। 12 नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द फोन सजेस्ट दैट इट वॉज हैप्पी हैविंग द मिल्क, ऑप्शन है ए इट सक्ड एंड स्नॉर्टेड, बी इट स्टार्टेड लीकिंग जॉर्डीज हैंड,
See, it flicked its tail back and forth. D, it stamped its hoof impatiently. ऑप्शन आएगा इसमें आप लोग का सी, इट फ्लिक्ड इट्स टेल बैक एंड फोर्थ, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर टू है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो गिवन. तो यहाँ पे आप लोग को ये पैराग्राफ रीड करने हैं और इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर बजर्ड्स, ऑप्शन है इसमें आंसर है, बजर्ड आर लार्ज बर्ड लाइक वल्चर दैट ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल. सेकेंड नंबर, हाउ डिड जॉडी ट्राई टू अवॉइड बजर्ड्स, ऑप्शन है सॉरी आंसर है, जॉडी वॉन्टेड टू रीच द फॉन नियर द कैरकेस बट द कैरकेस वॉज सराउंडेड बाय बजर्ड्स, जॉडी थ्रू हिज बट एट दैम. थर्ड नंबर, वॉट आर कैरियन बर्ड्स, आंसर है कैरियन बर्ड्स आर कार्निवरस बर्ड दैट फीड ऑन फ्लैश. फोर्थ नंबर, वॉट बिजनेस इज रेफर्ड टू इन दिस पैसेज, इसमें आंसर है द बिजनेस रेफर्ड टू हियर इज पिकिंग एंड ईटिंग फ्लैश फ्रॉम द कैरकेस. अब आपका आता है सेकेंड पैराग्राफ, इसका क्वेश्चन है वन नंबर, वाई डिड जॉडी स्टॉप, इसमें आंसर है आप लोग का, जॉडी स्टॉप्ड एज हिज आर्म हैज बिगन टू एक्ट After carried the phone under his arm for a long distance. Second number, what is the clearness of the sky compared with? Answer है, the clearness of the sky is compared with the clearness of spring water in a blue china cup. Third number, why was the clearing flesh fresh and green? Answer है, the clearing was fresh and green because the rain that had fallen the whole night had cleared away dirt from it. Four number, what does this sentence, the Jodi's eyes were as bright as the fawn's, means? Answer hai, the sentence shows happiness of both of Jodi and the fawn that he had carried home with him. अब आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, ट्रू और फॉल्स है, से वेदर फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, पुट टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स इन द गिवन बॉक्सेस. क्वेश्चन नंबर वन, जॉडी कुड नॉट कीप द थॉट ऑफ हिज फादर इलनेस आउट ऑफ हिज माइंड, इसमें आंसर है फॉल्स, फर्स्ट में फॉल्स. सेकेंड में, पेनी फेल्ट दैट इट वॉज अनग्रेटफुल टू लीव द फॉन टू स्टार्व, ट्रू. थर्ड नंबर, जॉडी वेंट टू सर्च फॉर द फोन विथ मा बक्सटर, फॉल्स, थर्ड में फॉल्स आएगा. फोर्थ नंबर, जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल विल विथ हिम इन द स्क्रब टू फाइंड द फोन, इसमें आंसर आएगा ट्रू. फाइव नंबर, जॉडी फाउंड द फूट प्रिंट ऑफ अ लिपर्ड ऑन द सैंड, आंसर है इसका फॉल्स. सिक्स नंबर, द नाइट रेन हैज had washed away all tracks except those of a cat and buzzards, true. Seven number, Jodi carried the phone home all the way from the thicket under his arm, false. Question number four aata hai, answer the following question in 2-3 sentences each. Question number one, when and why does Jodi's father need a remedy? Answer hai, Penny Jodi's father is bitten by a poisonous rattlesnake. Instead of going to doctor, he kills a sea doe and uses her liver to draw out the poison. Second number, how does Jodi react to the cruelty of his father? Answer him, Jodi, the small boy, tell his father that he had left the phone done and defenseless to die. So it is their moral duty to save the innocent and hungry one of the dog. Question number three, why did Jodi see only buzzard feeding on the head on the dead body of the doe? Answer hai, the sand showed large footprint but they do not eat up dead doe. The reason was that the big cat killed an animal themselves to eat its flesh. The buzzard like vultures feed on dead bodies.
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड जॉडी अप्रोच एंड विन द ट्रस्ट ऑफ द फॉन? आंसर है, द फॉन शुक विथ फियर एज जॉडी ड्रू नियर. द फॉन लिफ्टेड इट इज नोज एंड स्कैंटेड हिम. जॉडी मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स एंड पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड जॉडीज मदर रिएक्ट वेन शी हियर दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम? Why does he see react in this way? Answer है, when Jody's mother heard that he was going to bring Fawn, she was a little surprised and asked what he was talking about. अब आता है question number 6. What message does the story of the Fawn convey to the readers? Answer है, the story highlights two things. It is not fair to kill an animal to use it as a cure. Secondly, one should have pity and love for animal. अब आता है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं उस समय. जय हिंद, जय भारत.